हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ही वही बेरुखी की बात, फिर आपने नकाब में चेहरा छुपा लिया। वो कहते हैं हमारी करप्शन निकाली है, फिर क्या हुआ जो हमने इकामा छुपा लिया। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, जो हमने मनी लॉन्ड्रिंग कराई आप क्यों रोए, छही छपा के छही बिजली आई बिजली गई। अभी अब मची हुई है अफरा तफरी, अब तशरीफ लाने वासे चौधरी। हमारे देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्या बात है, आज तो बॉक्सर लग रहे हैं इतनी अच्छी। आपको ये क्या पहना हुआ है? मंडी पैसे पूरे नहीं सुन ना। अच्छा, दुकानदार ने बावा ला ली है। बॉक्सर वाली क्या बात थी इसमें? नहीं नहीं, वो ऐसे आप वो ना आप वो क्या नहीं, ये जो जैकेट पहनी हुई है, छोटी सी जैकेट पहनी हुई है। जैकेट नहीं है, सलूका कहते हैं उसको। सलूका के बंदे ना डूबते बंदे बचाते नहीं, इसमें रुईश हुई है ना, उसकी वजह से आपकी बॉडी छोटी बड़ी अच्छी। छोड़े आप उसकी शर्ट के बारे में बात करें, सस्ती तरीन शर्ट है क्योंकि कोई पहनता ही नहीं, कोई लेते नहीं, सारे पोस्टर उत्ते छपे। सर इस शर्ट का फायदा मौसम भाई ना भी लेंदे, बर्तन भी साफ कर लेंदे, फर्श भी साफ कर लेंदे, बड़े फायदे ने, गंदी नहीं होंगी। बहरहाल अगर सीधी बात करें, सीरियस बात करें, ट्रक रंग करने वाले कारीगर लग रहे। ट्रक तो याद आया कि ट्रक च बचे ने बेहोश हो गए ने। अच्छा, लोगों ने पानी मार के छड़े उठाया, कहते ट्रक तेनू नजर नहीं आया, कहते मैं नजर तो आया पर लिखा सी तू लंघ जा साडी खैर। एक दफा मुझे कहने लगे कि अगर मैंने बाप की सुनी होती तो आज मैं कामयाब तरीन इंसान होता। फिर मैंने कहा बाप ने कहा क्या था? कहना मैंने जब सुनी नहीं तो क्या बताऊं। साइकिल रवा हुई है तो फौरन अपने मेहमानों को बुला लेना चाहिए। हमारी पहली मेहमान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन है, और जहां कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हमला होता है या उनकी बात होती है तो सबसे आगे खड़ी होती है डिफेंड करने के लिए। ये उन खवातीन में से भी हैं जो कि तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं गई, और ना ही लगता है इनको जाने का कोई प्रोग्राम चल रहा है। आप सबकी तालियों में मोहतरमा जरताज गुल। दूसरे मेहमान जो हैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है उनकी। तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया, फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पुलिस को छोड़ दिया और उन्होंने तालीम के शोबे के अंदर ही जॉब इख्तियार की और वो एक उस्ताद बन गए। लेकिन साथ ही साथ कुछ फनून लतीफा का शौक ऐसा था कि एक्टिंग और होस्टिंग और इन चीजों से वो दूर ना रह सके, और अब कोई 17-18 साल हो चुके हैं कि वो इस फील्ड से मंसूब है, साथ ही साथ वो उस्ताद भी चल रहे हैं। ये इतनी मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं उन्हीं से पूछेंगे। आप सबकी तालियों में जनाब हसीब खान। सूट पाया जंगल दे सार्जेंट लग रहे जे। माशाल्लाह नाकाम सियासतदान लग रहे हो सर। सबसे पहले मैं मोहतरमा के लिए आपके लिए एक शेर लाया सर, कि बादल खुलखुला गए हैं। मौसम भी है बीच में, बादल खुलखुला गए और रस्ते सज सजा गए हैं और डंके बज बजा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में जरताज गुल साहब और हसीब खान आ गए। सर मेरा तो जरताज जी के लिए अच्छा एक शेर है। जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कि तेरी यादों की बरसात मेरे दिल को खा गई है। वाह अल्लाह, क्या मिसरा, पहला ही अच्छा। तेरी यादों की बरसात मेरे दिल को खा गई है। खान साहब दी तीसरी शादी की खबर सुन के रोलते गए पर चस आ गई। जोड़ा देख के मुझे लग रहा है कि आप तो वलीमे की तैयारियों में हैं पूरे खान साहब के। यकीन करें वासे, मैंने आपके मेकअप मैन को सीरियसली कहा कि मैंने ये शॉल नहीं पहनी, मैं जाऊंगी वासे मेरे किट लगाएगा खान साहब की तीसरी शादी नहीं, तो, नहीं पहनी। मगर पहनी तो आपने फिर भी सर मैंने सोचा कि मैं भी बैठ कर ही लूं। तो वैसे कोई आपने सोचे कोई कपड़ों का डिजाइन सोचा डिनर पे?
एदी खान साहब को शेरवानी बना दे नहीं खान साहब को शेरवानी तो नहीं बना के देंगे लेकिन ये कि मैं ये वो सूट पहन के आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है तो जो एक सूट मिला जो हमने किसी की शादी पे पहना था वो पहन तो तीसरा सीजन है ना माशा वो तो वैसे एक सीजन चल रहा है ना मगर वैसे कुछ सोचा आपने कोई आपने और आपके हस्बैंड ने कोई डिसाइड किया क्या कपड़े पहनेंगे पहले बताए ना किसकी वेडिंग आने वाली है ना नहीं अगर खान साहब की वेडिंग हो ही गई तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कोई आप लोगों का एज पार्टी वर्कर्स कोई है कोई प्लानिंग जिसके साथ भी करेंगे इंशाल्लाह अगर हमें बुलाएंगे तो मुझे अभी खान साहब की शादी के बारे में रूमर्स के जी लड़का करता क्या है पूछते हैं उसने कहा जी नवाज शरीफ को बड़ा तंग करता है वैसे कितने खुश होते हैं आप लोग हैं जी अल्लाह का करम है कि जो हम लोगों ने एक कहा था कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और हर डाकू चोर लुटेरे जिसने भी पाकिस्तान के माल को लूट के खाया उसको हम नहीं छोड़ेंगे और उसका जो पहला वो है वो नवाज शरीफ है इंशाल्लाह अगले चोरों की बारी है अगले चोरों की बारी है जैसा कि जैसा कि जी मुझे पता है आप जरदारी के बारे में कहना चाहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा आपने खुद ही नाम लिया कैसा लग रहा है जब महमूद अयाज एक हो गए जरदारी साहब के साथ आप खड़े हुए इसका क्या करना है नहीं जरदारी साहब के साथ हम बिल्कुल खड़े नहीं हुए ताहिर अल कादरी साहब जब ये मॉडल टाउन का वाकया हुआ था हम पहले दिन से उनके साथ खड़े थे कि ना हक लोगों का जो है वो खून बहा तो जरदारी साहब आपके साथ आ गए नहीं उन्होंने जरदारी साहब को बुलाया है और नेक मकसद के लिए सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा होना चाहिए इन शॉर्ट ये कहा जाए कि पाकिस्तानी जो है वो खुद इकट्ठे नहीं होते उनको इकट्ठा करने के लिए कैनेडियन की जरूरत होती है कैनेडियन का तो मुझे नहीं पता लेकिन कॉज बहुत बड़ा है बोलते रहना तुम 2 किलो दही की लस्सी बना दे यार ये क्या बात की तुमने लग रहे पहलवान लग रहे माशाल्लाह हसीब साहब क्या हाल चाल है आपके अल्लाह सर ये हकीकत है कि आप पुलिस में चले गए थे जी जी बिल्कुल इम्तिहान दिया था भैया इम्तिहान दिया पास हो गया अनफॉर्चुनेटली जो मेरे साथ 4 दोस्त थे वो पास नहीं हुए मैं हो गया तो वो हम लोगों ने कहा था कि हम 4 दोस्त इकट्ठे पेपर देंगे इंस्पेक्टर बनेंगे ये 4 डाले ये लिबर्टी के अंदर ऐसे लाके हम खड़े किया करेंगे हम लोगों की अपनी ख्वाहिशें ख्वाब होते हैं ना तो वो उनमें से वो तीनों नहीं हुए तो मैं हो गया इंस्पेक्टर से 2 महीने बाद नौकरी छोड़ देती क्यों ढाकू नाके देना को मोबाइल खो के लगे मगर नहीं वैसे आपने किया और उसके बाद आपने पुलिस ज्वाइन की 6 महीने के लिए जी 6 महीने के लिए आपने की तो उन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि आपने पुलिस छोड़ी थी कुछ नहीं वो लोगों को मारना मूरना होता है ना जरा तो वो आए उन्होंने कहा कि जी इसको मारे वो हादा के बंदा वो ऐसे था तो मैं कहा नहीं इसने बाहर निकल के मुझे बड़ा मारा यही कहा था कि देख लो तुम जाना चाहते हो तो मैं नहीं जी आप देख लें आपने क्या बताना है तो वो फिर टीचिंग उन्होंने कहा कि पढ़ाना मेरा ख्याल है तुम बहुत बेहतर कर सकते हो तो मैं चले और मैंने छोड़कर पुलिस छोड़ के तो फिर आई स्टार्टेड टीचिंग आपने टीचिंग स्टार्ट कर दी है मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने ऑल्दो पुलिस फोर्स तो ज्वाइन नहीं की लेकिन जो आपने अपने ये एक्टिंग के करियर का काम हाँ। किया उसमें आप इतनी बार पुलिस वाले बने कि अब तो ऐसे गुमान होता है कि आप वाकई शायद पुलिस वाले एग्जैक्टली और वो मेरे जितने ख्वाहिशात थी ना वो पुलिस वाले बनने की वो मेरी सारी उन कैरेक्टर्स के अंदर पूरी हो गई आपके अपनी को कस्टमाइज वर्दी सिलवाई हुई है एक्टिंग के लिए हाँ जी पहले सबसे पहले सिलवाई हुई थी जी वाह वो मैंने जिस वक्त जब जट एंड बॉन्ड स्टार्ट किया था तो उस वक्त भी वही थी फिर उसके बाद जिस तरह मैं फैलता गया फिर मुझे अपनी वर्दी भी थोड़ी सी फैलानी पड़ी तो उनके लिहाज से वो उसी तरह इंटरेस्टिंगली मैडम आपने फाइन आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएट किया टेक्सटाइल डिजाइन टेक्सटाइल में किया तो कोई टेक्सटाइल का काम भी करती है या सिर्फ सियासत ही चल रही है जब मैं डीजी खान गई एक तो बड़ा रिमोट एरिया है और दूसरा मैं चूंकि ISF के टाइम से ही PTI के साथ मेरे तो बाय बर्थ ही पार्टी PTI है और जो आपने पहले इंटरव्यू में कहा ना कि ये छोड़ के नहीं गई तो कभी छोड़ के जाऊंगी भी नहीं अच्छा इंशाल्लाह क्योंकि मैं मफाद की खातिर तो आई नहीं हूँ ना ही मैं रिजर्व सीट की खातिर आई हूँ मैं तो इलेक्शन लड़ के आई हुई हूँ मैंने 40,000 डीजी खान से वोट लिया है तो वो फाइन आर्ट्स या टेक्सटाइल या पॉलिटिक्स का तो कुछ नहीं हुआ लेकिन ये जरूर था वासे कि जहां पे भी जाना है ड्राइंग रूम बैठ के पाकिस्तान को न गालियां देनी है न सिस्टम को कोसना है अगर डिफरेंस क्रिएट करना है तो घर से बाहर निकल के जरूर आवाज उठानी है हर जुल्म के खिलाफ लेकिन आप इंशाल्लाह PTI छोड़ के भी नहीं हमारी दुआ है कि तुसी खान साहब दे 9 वलीमे खाओ ये देखे किस किस्म के ये इंतजार फैलाने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह करे तीसरी शादी जो है अल्लाह करे कि उनकी कामयाब हो जाए क्योंकि देखिये वो इतनी कोशिश कर रहे हैं मुल्क की खातिर एक बंदा कोशिश करता है और उसके बाद वो एक ज़ाती जिंदगी में उनके ऊपर जो
جو ہے وہ اتنے سکسیسفل نہیں ہے. آپ بہت مسکرا رہے ہیں ان کی اس بات پہ. میں رو نہیں پڑ رہا, میری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے, جتنا انہوں نے دکھ کی بات کی ہے کہ خان صاحب اکیلے ان کی وجہ سے پاکستان بہتر ترقی کر سکتا ہے. ہاں ویسے یہ ہوتا ہے, بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن, اچھا اینڈ بیہائنڈ ایوری فیلئر دیر آر نمبر آف ویمن. یس, تو دیٹس واٹ آئی بلیو ان. تو دیکھیں اگر ایک پہ اکتفا کر لیں گے تو اچھا ہی ہوگا. جڈی انرجی نا تسی بول رہے نا, مجھے لگتا ہے اج ہی سیل پوائنٹ. وسط سے دل ہو شاد کیا, ایسے کرنا وقت کو برباد کیا, بیڑیاں سی پاؤں میں رہتی ہے کیوں, ہو نہیں پائے ابھی آزاد کیا, کام جو آتا نہیں عوام کے, پھر یہ قرضہ اور یہ امداد کیا. ڈوریمون تو آدھا ہے یار, ایڈا پارا منہ چک دیو تے تھک دے نہیں یار. ویلکم بیک ٹو مذاق رات. حسیب صاحب یہ بتائیں, بہت بار آپ کو کالج یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا بھی ہوا ہے, تو کئی بار گمان ہوتا ہے کہ یہ استاد نہیں, یہ کوئی لڑکا ہی ہے جو پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے. ہاں یہ ان کے ساتھ رہ رہے کے اس کی وجہ آپ کی حرکات ہے یا آپ کی انرجی ہے, دونوں کہہ سکتے ہیں. اور ریپوٹیشن انرجی جو ہے وہ حرکات کو آگے موٹیویٹ کرتی ہے. مگر یہ ویسے کیسے اتنے ایک چلبلا ٹیچر کیسا لگتا ہوگا؟ مجھے جب میں پڑھتا ہوتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ہمارے اور ٹیچرز کے درمیان نا بہت ایک گیپ تھا. جب میں ٹیچر بنا تو میں نے کہا کہ نہیں یار مجھے وہ گیپ ختم کرنا ہے, اور میں بچوں کے ساتھ لوگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسی طرح ہی رہنا چاہتا ہوں جس طرح وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, تو وہ ان کے لحاظ سے زیادہ. تو آپ بڑے اچھے ٹیچر ہیں سر, اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ پاکستان کا نام کس نے رکھا, اسٹوڈنٹ کہنے آپ بتائیں, مجھے بتاتا تو میں تم سے پوچھتا. ٹریڈیشنل ٹیچر کے لیے بڑی کچھ خلاف طبیعت قسم کی یہ باتیں ہیں. آئی ایم شیور کہ جس وقت سینئر ٹیچر سن رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا. وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو ہم نے وہ درس و تدریس کے اندر رکھیں, آپ ان سے بات کریں, سیریس ہو کے بات کریں. میں کہا جی ہو ہی نہیں سکتا, مطلب سیریس کیسے ہوں گا میں. اور آپ نے خود غالباً ماسٹرز کیا ہے ہسٹری کے اندر؟ جی میرا آئی آر میں ماسٹرز ہے, میرا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہے, اور میرا ای ایل ایم کیا ہوا ہے میں نے, ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ, تین ماسٹرز. ویسے آپ بتائیں اس قسم کے ٹیچروں کی عادت ہے؟ تو اگر ٹیچرز بھی اس طرح کے آ جائیں جو اسٹوڈینٹس کی پلس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی اس کے اوپر. ایک اور بات ہے, جو ایف سی کالج میں پڑھاتا تھا تو ایف سی کالج کے اندر انہوں نے کہا کہ جی حسیب صاحب کہاں ملیں گے, انہوں نے کہا جی گراؤنڈ میں دیکھ لیں جہاں پہ آگے 40-50 لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوں گے تو ان کو زندگی کے رموز سکھا رہے ہوں گے. تو میرا یہی کام ہوتا تھا کہ میں جب بھی کبھی اسٹوڈینٹس کہیں بھی ملتا تو ایک پازیٹیوٹی ضرور ہے کہ آپ کو کوئی بھی نیگیٹو کوئی آ کے بندہ بات کرتا ہے کہ میں آج تک نہیں پڑھ سکا, میرا آج تک یہ مسئلہ پڑ گیا, تو میں اس کے ساتھ مل گیا. تو میں نے کہا بیٹا میں بھی جب آپ کی عمر کا تھا تو نہیں پڑھتا تھا, تو بالکل ایسے یہاں تک پہنچ گیا ہوں, اللہ نے مجھے پہنچا دیا تو تجھے بھی پہنچا دے گا. اپنے آپ کو فوکس رکھ لے اور دیکھ لے کہ کیا کرنا ہے زندگی میں, یو ول ڈو اٹ. پاکستان دے سب تو ذہین ٹیچر نے سی کلاس کرنے دے بچیاں نوں کہہ رہے نے بیٹا یہ بتاؤ آپ کو میری پڑھائی اچھی لگتی ہے کہ ذہانت اچھی لگتی ہے, اگر بچے کہندے سر آپ کی یہ مذاق کی عادت اچھی لگتی ہے. I'm extremely disappointed today. Why? You know, I don't know. I should die or live a miserable life. Oi. Inna main disaat mere pinde de vich inni peer ho rahi hai. Kyun hua kya? Dhoka. Ab kya hua? You know the elections are coming soon. Yeah. ایک سیاسی پارٹی نے مینوں کہا کہ تو ساڈے واسطے کوئی گیت بنا کے لیا. آئی وینٹ ٹو دا آڈیو لائبریریز, میں فرینک سناترا دیاں کتاباں لیاندیاں. فرینک سناترا جی او دیاں میں کتاباں پڑھیاں, بہترین کلاسکس کچیاں کیتیاں, گیت بنایا, او میں دی سی ڈی بنا کے تے اوتھے لے گیا. انہاں نے بڑی توجہ نال سنی ہے, اس تو بعد انہوں نے ایکسپریشن چینج ہوئے, مینوں سمجھ نہیں آ رہا بھی پسند آئی ہے کہ نہیں.
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੁਮਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਲੀਏ ਗੀਤ ਬਣਾਨਾ ਥਾ ਤੋ ਤੁਮ ਕੋਈ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਖੁਸ਼ਕ ਕਾ ਗਾਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰਤੇ, ਕੋਈ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਗਾਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰਤੇ, ਤੁਮ ਫਰੈਂਕ ਸਿਨਾਟਰਾ ਕਿਸ ਕੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੌਂਗ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਉਸਕੋ 1200 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਰ ਸੀਰਪ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਵੇਚਾ। ਵੋ ਆਪਕੋ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ ਮਗਰ ਆਪ ਨਾ ਗਾਨੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਸੇ ਕਰੀਏ, ਯੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੀਡੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਤੀ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਪੀਟੀਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਜਾਨ ਬਣੇਗਾ ਨਿਆ ਪਾਕ। ਡੋਰੇਮੋਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਤਾਜ ਗੁਲ। ਸਰਤਾਜ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਖਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਖਾਇਆ, ਲਗਨੀਆਂ ਕੈਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ, ਪਰ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਵਾਇਆ। ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ, 150 ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ? ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ। ਖਾਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਨੱਕ ਹੀ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਡਿਸਕੋ ਚਲੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ। ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਤਾਏ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੁਆ? ਫਿਲਮੇ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਥਾ। ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਯੇ ਏਕਦਮ ਸੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਏਕਦਮ ਸੇ ਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਥੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਥਾ, ਥੀਏਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ ਉਸਕੇ ਸਾਥ, ਤੋ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਟਨ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੋ ਜਬ ਜਟਨ ਬੌਂਡ ਆਇਆ ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ, ਤੋ ਵੋ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ। ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਲ ਵੀ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਏ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਲਨ ਕਿਸਮ ਕੇ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਵੋ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਸਾਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਐਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕਤੀ ਹੈ ਤੋ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਵੋ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਾਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੋ ਜਾਏ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖੇ, ਉਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਅੱਛੀ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ। ਇਨਕੋ ਤੋ ਪੀਟੀਆਈ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਪੀਟੀਆਈ ਮੇਂ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਹਰ ਅੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋ ਪੀਟੀਆਈ ਮੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਰ ਅੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋ ਪੀਟੀਆਈ ਮੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਸਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਮ ਹੈ ਰੋਲਾਨੇ ਸੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਇਨਕਾ ਕਾਮ ਸਭਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਹੰਸੀ ਲੇਕਰ ਆਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੇ ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਹਰ ਅੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋ ਪੀਟੀਆਈ ਮੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਕਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਸੰਦ ਆਪਕੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੋ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਿਤਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀ ਦੋ ਜਮਾਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੋਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਯੂੰ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵਾਕਿਆਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੋ ਕਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੇ ਹੁਸਨ ਸੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਕੀ ਵੋ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਵੋ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੇ 2018 ਕਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੋਟ ਡਾਲੇਂਗੇ? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਉਨਕਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਲੇਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
अगर उनका बंदा ना मिला आगे आपको तो फिर किसको देंगे? लेकिन जी फिर जो रिश्तेदार होगा आप ये बताएं मौरूसी सियासत कब खत्म होगी? अली तरीन हार जाएंगे अगर तब खत्म होगी? अली तरीन के मुकाबले में वैसे मैं आपकी बता दूं कि पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को कोई टिकट होल्डर ही नहीं मिला जिसके मुकाबले में अली तरीन को इलेक्शन लड़वाए। अली तरीन की क्वालिटीज ना बताएं, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप नून लीग में क्यों ले जाती है बात को? मैं पूछ रहा हूँ अली तरीन और जहांगीर तरीन वाला जो एक एलिमेंट आया तो वो मौरूसी सियासत किधर गई? आप लोगों ने बड़ा उसका एक अच्छा वर्जन निकाला कि मौरूसी सियासत तब है सिर्फ जब अगर वो आप चेयरमैन की सीट पर हो और वो फलां और वहां से बेटा आ जाए बच्चा आ जाए, ये अपने वर्जन से निकालना शुरू जाते हैं आप। नहीं, ये ऐसा ही है कि जब आप किसी भी पावर में जब आप हों और आप अपने रिश्तेदारों को जो है नवाजना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आपका जो समधी है वो वजीर खजाना हो, आप उनकी बात ना करें, आप मुझे अपने वाला बताएं। ये तो इलेक्शन अभी लड़ के आएंगे ना सर, वो इलेक्शन लड़ के आ रहे हैं। वो कहते हैं इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम टू चेंज इट, तो मुझे लग रहा है कि ये इन द सिस्टम से ये अली को लेकर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको पहले भी बता रही हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे देखिए, एक थे सरदार और ने हमारी पार्टी ने अली तरीन की जगह किसी और ने अप्लाई ही नहीं किया, अली तरीन को ही लोग वोट देना चाहते हैं। जहां तक आपने कहा है कि कैसे चेंज आएगा, तो हम जैसे लोगों के से चेंज आएगा ना, मेरे तो कोई फैमिली में कोई ऐसा नहीं है। दून लीग का वो सदर बनाते हैं तब भी कोई उनके मुकाबले में ऐसे अप्लाई नहीं करता, और फिर आप लोग कहते हैं कि ये बार बार खुद ही बन जाता है। उनकी खातिर तो उन्होंने पूरा कानून बदल दिया, एक नाअहल शख्स की खातिर वो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लेकर आ गए। इंटरनल इलेक्शन की बात करूं उस वक्त तो आगे से आप लोग ये कह देते हैं अली तरीन इलेक्शन लड़ के आएंगे, इलेक्शन लड़ के आएंगे, उनको हमने जनरल सेक्रेटरी तो नहीं बनाया ना। अफरीन है जरताज जो आप लोग डिफेंड करते हैं ना, ये मैं फैन हो गया उस चीज का कि एक बंदे के लिए जो आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया सारे नजरिए का पार्टी के। नहीं नहीं, हमारी पार्टी वैसी की वैसी है, इमरान खान का नजरिया पहले दिन का वैसा है, मैंने आपको पहले कहा है। बस मुझे बताइए कि इमरान खान साहब के करीब होने के लिए क्या करना पड़ता है? मैसेज हैप्पीनेस देख रहे हो बहुत ज्यादा, बड़े अरसे तो बाद हाँ। चौधरी शुजात हाशमी साहब की मैंने कॉल आई, चौधरी शुजात हुसैन साहब उन्होंने कॉल आई, मैंने कहते ने कम टू द जहूरी लाई रोड ओ। गया मैं जी, अच्छा मेरे जहन च भला भुली हुई सी, आई वेंट देयर, उथे शादियाने वज रहे, शहनाइया वज रही, बैंड वज रहे, और ते और जुम्मन भी हो रही। किस चक्कर में? मैं भी हैरान हो गया, मैं के शादी तो इमरान खान साहब की सी, किधरे मैं के प्रोग्राम किधरे डाइवर्ट तो नहीं हो गया मैं इन लोग पहुंचा मोहतर जनाब चौधरी परवेज खटक साहब भी उथे, परवेज इलाही साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब भी उथे, दो में कट्ठे बैठे। अच्छा मैं कहते ने सोने साड़ी हुकूमत आ गई, मैं क्या तुहाडी हुकूमत आ गई ते मैनू दसिया ही नहीं मिशन इम्पोसिबल ते तू कर देना पॉसिबल। मैनू कहंदे ने जा क्वेटा ते उन्हें जाके दस, क्योंकि नौ जवैन की आदत है ना, नौजवान की आदत बिल्कुल। ते पहली बारी वजीर आला उस नु ते बेचारे नु कुछ पता ही नहीं। हां मैनू कहंदे ने चौधरी शुजात साहब, मैनू कहंदे ने मैनू ते उन्हां दी समझ आउंदी है, मैं बड़ा अरसा उन्हां दे नाल गुजारिया, हां रोटी छोटी उन्हां दे घर बड़ी इकट्ठी खादी ने, मैनू समझ आ गई। अच्छा मैं उन्हां नु कहया जी दियो टिकट, मैनू कहंदे ने तू फिल्म ते जाना, क्वेटा नहीं जाना, मैंने कहते नो नेवर नथिंग, साडा इंतखाबी निशान साइकिल है, लिहाजा साइकिल ते ही जाना। लो साइकिल पे लाहौर से क्वेटा, अल्लाह के बंदे मैं कोई डरने वाला सा? मैं तो स्कूल दे जमाने तीन दिन तीन रात साइकिल भी चलाई हुई कड्डी, मैं उतो साइकिल ते दे दना दन क्वेटा वाले पासे वाह वाह पहुंच गया मैं, असेंबली पहुंचे उथे एक नौजवान बंदा बड़े प्रोटोकॉल दे नाल आ रहा, मैं कहे ये कोई खास बंदा, मैं कहे सर अब्दुल कुदूस बजंजो साहब ने मिलना, पहली बारी वजीर आला बनिया मैनू ते पता ही नहीं की करना, तू तो वजीर आला गप शप लाना तेन तो सारा पता, लै गया मैं सीक्रेट रूम ओथे जाके मैं सारे वजीरे आला जिहड़े अज तक बने सन उन्हां दीआं केसटां विखाईआं, अच्छा फिल्मां विखाईआं, अच्छा नोट्स लिख के दित्ते,
उस तो बाद बड़े मेरे खुशी नाल उन्होंने कहा भी तुहानू गिफ्ट देना। अच्छा सुगात जिवें मुल्तान दी सुगात सोने लवा। उन्होंने मैंने दो गैलन तेल दे दिते। उन्होंने कहा उत्ते पा के ते अग ला ला। अनारकली डिस्को चली भाई यार अल्लाह जानदा मैं अगर खवातीन दे विच किसे दा मैं होश की हुंदा फैन फैन मैं इन्हां दा मोहतरमा सरताज अजीज साहब सरताज अजीज नहीं है नहीं 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 अपना मोहतरमा जरताज गुल साहब जी पीटीआई दे बड़े फाल मेंबर ने जी इहदा की मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ते माशाल्लाह किधर जा रहे हो क्यों आ कपड़े वाली पेटी नाल रखी हुई तीन चार दिन बाद कर दिता पुछो क्यों क्यों उन्होंने कहा जी तुहाडा कद छोटा ते डेढ़ वड्डा इस वास्ते तुसीं पुलिस विच नौकरी नहीं कर सकते। माशाल्लाह हुण ते प्रोफेसर ने माशाल्लाह हाँ बड़े मुख्तलिफ जगह ते मजमे लांदे ने। अच्छा हाँ प्रोफेसर नागी दे नाल हुंदे ना वो वाले नहीं है मैं दोस्तों को सुने के किधरे प्रोफेसर हो अजकल जी ते कित्थों काम सिखिया है इजाजत बड़ी मेहरबानी मैडम अगर तुसी भी विच आ जाओ ना फोटो जरा कीमती हो जाएगी बाद क्योंकि आनंद मैं घट ही देना लेकिन तुहाडी गल नहीं हो रही सर वेलकम बैक टू मज़ाक रात। जी ना अजीब और गरीब क्या है पहली खबर है भारत से जहां एक बकरा तंबाकू नोशी और सिगरेट पीने का इतना ज्यादा आदी है कि जहां भी उसको कोई पान वाली दुकान नजर आती है उसके बाहर खड़ा हो जाता है और इस उम्मीद से खड़ा होता है कि शायद कोई इसको सिगरेट ही पिला दे और वो घास और सब्जियां तो खाता ही है इसके अलावा वो तंबाकू भी चबाता है और इसके मालिक का ये कहना है कि शुरू शुरू में जो छोटे छोटे सिगरेट के टुकड़े होते थे उनको खाता था अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि अगर उसको कहीं भी तंबाकू का कोई साशे या कोई पैकेट नजर आता है वो उसको चाटना घर जाके फिल्म की कहानी लिखनी लेकिन तुहाडी गल नहीं हो रही सर तो सर उस एरिए की दुकानों पर बाकायदा लिखा हुआ है कि बकरे को सिगरेट देना मना है बल्कि उन्होंने डब्बी विखाते ने कि ना भी है कि रेंज दे होंड हो जाएंगे सर 2020 की गेम है हमारी जरताज गुल तो पुरानी खिलाड़ी है इसकी अब तो आदत सी है उनको ऐसे सवालों की तो आपसे स्टार्ट करें मैडम या हसीब साहब आप पहले एक बार करके दिखा देना ताकि हसीब साहब को आइडिया हो जाए तो जरताज ये बताइए अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि इनमें से एक पार्टी मेंबर जो है वो ना हेल हो जाएगा तो इनमें से किसको आप चूज करेंगी जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है फवाद चौधरी या फिर अली अमीन गंडापुर फवाद चौधरी क्यों अली अमीन गंडापुर जो है केपीके में जो रेवेन्यू का हदफ होता है जो हर साल गवर्नमेंट देती है उन्होंने उस हदफ को पूरा किया सबसे ज्यादा उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा यानी कि आपका जो डिसीजन था वो परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस की बेस पे कह रहे तो अली अमीन गंडापुर साहब आपको बचाया गया आपकी परफॉर्मेंस की वजह से और फवाद चौधरी साहब आपको चूज किया गया नाहेली के लिए आपकी परफॉर्मेंस की वजह से अगर आप जहाज में सफर कर रही हो और बहुत लंबी फ्लाइट है दो सीटें आपके पास थी एक पे आप खुद हैं और दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं तो इनमें से किसको आप अपने साथ बिठा के उस 13-14 घंटे की फ्लाइट के ऊपर ले जाना चाहेंगी जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है राणा सनाउल्ला या फिर जईम कादरी बताइए मेरे हाल में जनरल नॉलेज तो मैडम ये बताइए तहरीक इंसाफ का जो आपकी वेबसाइट के ऊपर मैनिफेस्टो दिया हुआ है उसके पहले 5 पॉइंट बताएं मुझे अकाउंटेबिलिटी जी बताइए ये क्या
आपकी अलग पीटीआई चल रही है, वहाँ वाली एक अलग चल रही है, ये क्या बात हुई? एक ही पीटीआई है। कोई और सवाल पूछ लो आपसे? बिल्कुल पूछ ले। ये बताइए मैडम, कश्ती में सवार है, कश्ती डूब रही है, दो लाइफ जैकेट है, एक आपने खुद पहन ली, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देख के आप किसको बचाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है आयशा गुलेलई या फिर नरेंद्र मोदी। आयशा गुलेलई खुद के दुश्मन तो है लेकिन शायद पाकिस्तान की दुश्मन ना हो। गुड जॉब। जरताज गुल साहिबा, आपकी प्रेफरेंस इनमें से कौन होंगे, आसिफ जरदारी या फिर नवाज शरीफ? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज नहीं जवाब दूंगी मैं। मैडम ये बताइए ना फिर, नेशनल असेंबली में खवातीन की कितनी सीट्स होती हैं? आई थिंक 46 है। नहीं 56 होंगी भी। नहीं, अगला 66 कह दीजिएगा, वो भी नहीं है। इनमें से किसको कॉफी पर इनवाइट करना चाहेंगी? कॉफी पर जी, हमजा शहबाज या बिलावल भुट्टो? मेरा ख्याल है फिर बिलावल भुट्टो का ही कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो कर लेते हैं, क्यों? मैं उससे पूछूंगी कि वो इस तरीके से एक्टिंग करके तकरीर कैसे करता है। बहुत सारी तालियां मैडम के लिए। भाईजान सर, आपको कुछ फोन अनलॉक मिलते हैं और आप उनमें से एक फोन चेक कर सकते हैं बगैर किसी के जाने, तो आप किसका फोन चेक करना चाहेंगे? आयशा गुलेलई, फवाद खान या फिर इमरान खान? आयशा गुलेलई ठीक है सर। क्यों? ऑपोजिट जेंडर है शायद। अच्छा बेहतर। सर ये बताइए, इनमें से सबसे बेहतर कॉमेडी आपको किसकी लगती है, जनाब उमर शरीफ, जनाब इस्माइल तारा, जनाब अशरफ खान या फिर मरहूम मोइन अख्तर? मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब। सर आप भी कश्ती में सवार हैं और कश्ती डूब रही है, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपने खुद पहन ली और दूसरी किसी और को दे सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं माहिरा खान, रीमा खान और जरताज गुल। ये देखो आप साथ बैठी हुई है तो फिर इनका नाम लिया जाएगा लेकिन दिल का कहता है रीमा। हीरोज को रेट कीजिएगा विद वन बीइंग द बेस्ट। जो नाम आपके पास है वो है नुमान एजाज, शान, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा और फवाद खान। तो नंबर वन पे कौन है? नोमी भाई, नुमान एजाज। नंबर टू पे कौन है? फहद मुस्तफा। नंबर थ्री पे कौन है? हुमायूं सईद। नंबर फोर पे कौन है? फवाद खान। नंबर पांच पे आपको लगते हैं शान साहब सबसे बेहतरीन अदाकार है? बहुत सारी तालियां साहब के। थैंक यू सो मच हसीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरी।